नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। आज आपस में भिड़ेगी अर्जेंटीना और क्रोएशिया की टीम। दूसरे मैच में क्रोएशिया के खिलाफ आज एक नई शुरुआत चाहेगी अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप में ब्राजील के लिए खुशखबरी, घुटने के दर्द की समस्या से उबरकर वापस लौटे स्टार फुटबॉल खिलाड़ी नेमार। शुक्रवार को कोस्टा रिका के खिलाफ मैच में लेंगे हिस्सा। फीफा विश्व कप में शुक्रवार को आइसलैंड और नाइजीरिया के बीच होगा मुकाबला। ग्रुप डी मैच में इतिहास रचने की आस के साथ उतरेगा आइसलैंड। फीफा विश्व कप में टीवी महिला पत्रकार से बदसर रुकी, लाइव शो के दौरान एक शख्स ने की अभद्रता, महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर साझा किया दर्द। क्वींस क्लब के दूसरे दौर में स्विट्जरलैंड दिग्गज टेनिस खिलाड़ी स्टैन वावरिंका को मिली हार। चैंपियनशिप में वावरिंका का सफर हुआ खत्म, अमेरिका के सैम क्वेरी ने वावरिंका को हराकर तीसरे दौर में किया प्रवेश। नेचर वैली इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट से पहले फ्रेंच ओपन चैंपियन रोमानिया को झटका, सिमोना हालेप के चोट के चलते अगले टूर्नामेंट से अपना नाम लिया वापस। केएसएस मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में ओम प्रकाश मिथारवल ने किया शानदार प्रदर्शन, 50 मीटर फ्री पिस्टल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर द्वारका में इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग के 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। दिव्यांगों के लिए आयोजित यह टूर्नामेंट 20 से 24 जून तक चलेगा। सीएट अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग के दूसरे सीजन में आज महाराष्ट्र यूनाइटेड का चैलेंजर से होगा सामना। टूर्नामेंट में महाराष्ट्र का पलड़ा है भारी। और विवादास्पद पाकिस्तानी ओपनर अहमद शहजाद डोप टेस्ट में फेल, अहमद पर लग सकता है 3 महीने का प्रतिबंध। तो ये थी खेल जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।